एक्टर नाना पाटेकर फिर से फंसे एक कंट्रोवर्सी में। नाना पाटेकर का एक विजुअल वायरल हो रहा है जिसमें वो एक फैन के सर पर थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। ये वीडियो आया है नाना पाटेकर की फिल्म जर्नी के सेट से। इस फिल्म की शूटिंग इस वक्त चल रही है वाराणसी में और इस पूरे इंसिडेंट पर डायरेक्टर अनिल शर्मा का रिएक्शन आया है, जिन्होंने पूरी एक अलग ही स्टोरी बताई है। लेकिन अनिल शर्मा के रिएक्शन से पहले आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के सेट पर नाना पाटेकर एक शॉट की तैयारी कर रहे थे और पीछे से एक फैन फ्रेम में एंटर करता है और नाना पाटेकर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है, जो नाना पाटेकर को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गुस्से में इस फैन के सर पर थप्पड़ जड़ देते हैं और फिल्म का एक क्रू मेंबर इस लड़के के गर्दन को पकड़कर उसे सेट से निकाल देता है। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया है, नेटिजंस इसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने नाना पाटेकर को स्लैम किया है फॉर दिस एक्ट। एक यूजर ने लिखा, In fact, we the common people have given the status of God to these actors and cricket players in India. So we have to be ready to get slapped and kicked by them. Another said, At the end of the 26/11 Mumbai attack movie, this gentleman was talking as if he is the biggest patriot. But this is the reality of these artists. साफ है, यूजर्स को लगा कि नाना पाटेकर ने अपने फैन के साथ सही नहीं किया। इस मामले में डायरेक्टर अनिल शर्मा ने रिएक्ट करते हुए कहा है कि ये एक फिल्म का सीन है जिसे गलत तरीके से दिखाया गया है। I have just come to know about this news. I was watching the same video just now. Nana has not hit anyone. Rather, that is a shot from my film. We were filming it on the road in the middle of Banaras, where a boy who comes near Nana has to be hit on the head. Shooting was going on and Nana also hit him. आगे अनिल शर्मा ने ये भी कहा है, But the crowd gathered there recorded it on their mobile cameras and then leaked the shot of the film. Now Nana is being projected as a negative and rude actor on social media, which is completely wrong. साफ है, गलत फहमी की वजह से नाना पाटेकर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया है एंड वी होप अनिल शर्मा के इस स्टेटमेंट के बाद सबको सच्चाई का पता चल गया है।